और अगली खबर, राजधानी रायपुर से है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 1,03,000 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा। और मोदी कैबिनेट के 21वीं सदी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मोहर लगाने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर ने 5 देशों से तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए कहा कि रिसर्च में देश के GDP के हिसाब से दिया गया 0.51 का बजट बहुत कम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर अपने GDP का सीर 2.1, अमेरिका 2.8, दक्षिण कोरिया 4.2, इसराइल में 4.3 खर्च कर रही है। 5 देशों की शिक्षा नीति से तुलनात्मक विश्लेषण पर डॉक्टर अजय चंद्राकर से सत्या राजपूत की खास बातचीत। यह शिक्षा नीति लागू की गई है तो इसमें शिक्षा में क्या मिला हमको, शिक्षा में क्या नए बदलाव हैं, कितने फायदेमंद है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो 5 देशों के शिक्षा का अध्ययन किए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा नीति जो अभी आई है उसमें क्या मिला है, क्या कुछ खास बातें हैं इस नई शिक्षा नीति में? जो पहली बात तो ये है कि ये 21वीं शताब्दी के लिए है, और 21वीं शताब्दी के लिए जो चैलेंज हैं हमारे देश में या फिर प्रदेशों में या फिर विश्व में, उसके लायक सरकार का भरपूर प्रयास है कि इसके माध्यम से हम वास्तव में नॉलेज फोर्स वाले कंट्री बन सके। इसके लिए प्राचीन नालंदा को भी याद किया गया है, इवन कौटिल्य को याद किया गया है, साथ ही साथ भारत के जो अतीत की गौरवशाली शिक्षा के क्षेत्र में संस्थानें रही उन्हें भी याद किया गया है। और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज का जो वर्तमान समय है और उसकी जो अलग चुनौतियां हैं, इसमें राष्ट्रीय मौद्रिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति जो संस्थाएं बनाती हैं अलग अलग देशों में, वहां से लेकर के मार्केट के हिसाब से हम अपने यूथ को तैयार करें, ऐसा टारगेट लेकर के चला गया है। अब बात करें, अब ये नीति है तो इसके लिए क्या बजट रखा गया, अब शिक्षा में बजट के अहम रोल है। देखिए, सीतारमन जी जो बजट प्रस्तुत की थी उसमें वो 1,03,000 करोड़ रुपया एजुकेशन के लिए रखी थी। बात करते हैं, अगर हम GDP को लेकर बात करें और जिन देशों के रेस में हम हैं, जैसे कि हम चीन के बात करें या अमेरिका का या फ्रांस का, तो इन देशों में शिक्षा में कितने GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जा रहा है और हमारे देश की स्थिति क्या है? चीन अपने GDP का, जो कि भारत से करीब करीब आज के पोजीशन में 9.8% ज्यादा उनका आकार है, वो 2.1% खर्च कर रही है। अमेरिका 2.8%, दक्षिण कोरिया 4.2% अपने GDP का, साथ ही साथ इजराइल 4.3%। तो ये औसत में ये राष्ट्र 3% अपने GDP का एजुकेशन रिसर्च के क्षेत्र में खर्च कर रही है। तो अभी आपने डॉक्टर अजय चंद्राकर को सुना जी, उन्होंने 4 से 5 देशों का विश्लेषण आपके सामने रखा। सोलाराम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस है।